हेलो ऑल डियर फ्रेंड्स, मैं गुलाब जी ने कलेक्शन में आपका फिर से वेलकम और स्वागत करता हूं। जैसे दोस्तों मैंने बहुत पहले वीडियो अपडेट डाला था कि कोलकाता में एग्जीबिशन स्टार्ट हो रहा है जिसका डेट है 1 अप्रैल 2 अप्रैल एंड 3, यानी 1, 2, 3 चौथे महीने में, और उसका दिन है फ्राइडे सैटरडे संडे। तो आज एग्जीबिशन का पहला दिन है और अभी मैं एग्जीबिशन हॉल में नहीं गया हूँ, मैं जस्ट आउटसाइड में हूँ, क्योंकि बहुत सारे मेरे व्यूअर है, सब्सक्राइबर है, वो सब आए हुए हैं, तो सब अपना कलेक्शन लेकर आए हुए हैं और सबको कलेक्शन दिखा रहा है। मैंने बहुत सारे अभी ऑफलाइन तो मैंने बहुत सारे का दिया और बहुत कुछ कलेक्शन किया हूँ, और जो बहुत सारे यहाँ पे डीलर आए हैं जिनको अगर अंदर में स्टॉल नहीं मिलता है वो बाहर में आकर अपना क्वाइन सेल करते हैं, मतलब जिनको अंदर में नहीं स्टॉल मिलता है वो बाहर लगाते हैं, और जो भी हमारे सब्सक्राइबर है, व्यूअर है, जो भी आ रहे हैं जिनको कॉमन अलग अलग तरह का क्वाइन होता है, रेयर भी होता है, कॉमन भी होता है, स्केयर भी होता है, जो रेयर क्वाइन होता है जिसका कंडीशन अच्छा होता है, जो मेरे कलेक्शन में मिसिंग होता है मैं बाइंग करता हूँ, जो मेरे कलेक्शन में नहीं मिसिंग होता है, मैंने बहुत सारे डीलर आया उनको मैं बोलता हूँ कि आप वहाँ सेल कर दो। तो आप थोड़ा सर भीड़ दिखा दीजिएगा चारों तरफ, मतलब देख ले सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, आप एक भी इधर आ जाइए मैं बात कर रहा हूँ, आप थोड़ा सा इधर भी दिखा दीजिए सर, ये आप देख सकते हैं, ये सारे मेरे चैनल देखकर, बहुत सारे मेरे चैनल भी देखा है, बहुत सारे किसी और चैनल के माध्यम से आए हुए हैं, तो मैं इन सब से बात करूँगा, और सब ने मुझे बहुत से कलेक्शन दिखाए हैं जिनके पास बहुत सारे कॉमन भी है, बहुत सारे रेयर और स्केयर है, तो मैंने देखा भी है और लिया भी है। दोस्तों और सबसे पहले आप इधर आइए, आप ही से बात कर, आप कहाँ से आए हुए सर? कहाँ से? वेस्ट बंगाल से। बारिश, आपने कलेक्शन दिखाया था ना, एक मिनट देखें, इन्होंने बहुत सारा कलेक्शन लेकर आए थे, इन्होंने अभी ऑफलाइन मुझे दिखाया था, लेकिन मैक्सिमम जो इनका कलेक्शन है, मतलब कॉमन में भी यूएनसी क्वाइन होता है तो बिकता है, लेकिन सारा क्वाइन इनका कॉमन ही था, तो मैंने सारा देखा, तो जिसका ये फॉरेन क्वाइन है, ये फॉरेन क्वाइन करते हैं, एक बार इनको दिखा दीजिए। तो दोस्तों मैं जैसे अभी बताता हूँ कि जो भी अब 3 दिन मैं यहाँ हूँ, फ्राइडे सैटरडे संडे को ये एग्जीबिशन ख़त्म होगा, इसके बाद नेक्स्ट एग्जीबिशन होने वाला है मुंबई में, उसका मैं बाद में अपडेट दूंगा, और उसके बाद नेक्स्ट होने वाला है दिल्ली में दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे मेरे व्यूअर भी है, सब्सक्राइबर है, सेलर भी है, सर आप इनसे बात, ये आप वेस्ट बंगाल से ही है ना? अच्छा, ये एक हमारे डीलर सर, आपका गुड नेम क्या हुआ सर? सद्दाम अली जी। सद्दाम अली है, ये आप कहाँ से है सर? बाकड़ा। अच्छा, ये बाकड़ा बंगाल से ही है। आप क्या, कौन सा क्वाइन ज़्यादा कलेक्ट करते हैं? हम फॉरेन क्वाइन ज़्यादा कलेक्शन करते हैं। इनको ज़्यादा फॉरेन क्वाइन कलेक्शन करते हैं, अगर मुझे भी कहीं मिलता है तो मैं अभी एग्जीबिशन में आता हूँ तो ही इनको दे पाता हूँ। बहुत सारे मेरे फ्रेंड फॉरेन क्वाइन भी मुझे सेल भेजते रहते हैं, लेकिन एग्जैक्ट प्राइस का मुझे कोई आइडिया नहीं होता है, ये मुझे जो रीज़नेबल देते हैं मैं इनको दे देता हूँ। आप लोग कहाँ से आए हो सर? कलकत्ता से। आप लोग भी सारे कलकत्ता से ही है, तो देख ले, एक मिनट इधर दिखाइए, आप कहाँ से हैं सर? हम बर्धवान से आया है। क्या नाम हुआ, गुड नेम सर? हमारा नाम शंकर दे। शंकर दे है सर। हाँ। कैसे यहाँ पे आए, मेरे चैनल से या ऐसे आए आप? नहीं, हम हर साल आ रहा है। अच्छा, हर साल आता है। आप क्या कलेक्शन करते हैं, या आप सेल करते हैं? भी करते हैं और परचेस भी करते हैं। तो अच्छा, तो हमारे आपसे स्पेशल है क्योंकि आप साल भर में हमेशा आते हैं, तो मेरे स्पेशल व्यूअर को बताइए जो सेल करना चाहते हैं, तो सेल करने से पहले वो कुछ कलेक्शन करते होंगे तभी सेल करेंगे, तो किस तरह का क्वाइन कलेक्ट करें ताकि एग्जीबिशन में आने पे सब, आप सब लोग को एक ही बात बोल लूँगा कि जो आप कलेक्शन करेंगे यूएनसी कंडीशन कि एकदम ताज़ा, कोई धूला मैला यूज कॉइन या नोट मत लीजिए, जाओ यूएनसी हो ये वाला जी ला कर आइए, 2 पैसा आपको मिलेगा। और बहुत सारे मेरे, मैं बता रहा हूँ यहाँ मेरे बहुत सारे ऐसे चैनल वाले जो अपना व्यू बनाने के लिए जो थंबनेल होते हैं वो फेक डालते हैं, जैसे वैष्णो देवी का क्वाइन का मैंने कहीं देखा 5 लाख 10 लाख रुपया होता है, मैं कितनी बार बता चुका, मैंने वीडियो में बहुत सारे मेरे पास फ्रेंड आते हैं, मेरा थंबनेल इसलिए मैंने लिखा एक थंबनेल में कि क्या इसकी वैल्यू लाखों में है, लेकिन मेरे फ्रेंड पूरा वीडियो देखते नहीं है, डायरेक्ट मुझे कॉल करते कि सर मेरे से ले लीजिए। फ्रेंड ऐसा नहीं होता, वैष्णो देवी क्वाइन वेरी वेरी कॉमन है, अगर यूएनसी हुआ तो मैक्सिमम 5 रुपये का 10 से 15 रुपया। सर आप कुछ बताइए सर, आप मेरा कहने का मतलब ये चीज़ है, आप लोग जो यूट्यूब देख के 1 रुपया का सिक्का 2.5 लाख रुपया वो सब फेक बात है, जो ये प्रचार करते हैं वो लोग को भी आप लोग बोलिए कि नहीं ये सब होता नहीं है, ये फेक बात है, यूट्यूब में कभी आप लोग मत विश्वास कीजिए, मत देखिए उसको, ये सारे जितना ऑल ओवर इंडिया में
प्रचार करते हैं ना, ये एक रुपये का कोई नारा ही लाख, तीन लाख, पाँच लाख, सब फेक बात है। आप लोग लूट जाइएगा लेफ से। अच्छा, मेरे चैनल के बारे में बताइए, मैं क्या इन्फॉर्मेशन दे? ये जो अरे ये जो आदमी है बहुत बढ़िया बात बोलते हैं, ऑल ओवर इंडिया हर एग्जीबिशन में इसको नजर आ जाएगा। ये जो बात बोलता है सही बात बोलता है, इनका बात गौर से सुनिएगा और अपने आप को विचार कीजिएगा। थैंक यू सर। तो मेरे कहने का मतलब है, मेरा कोई भी वीडियो मैं डालता हूँ, प्लीज फ्रेंड पूरा आप आराम से देखो, उसके बाद ही आप मुझे कॉल करो, मैसेज करो। बहुत सारे मेरे फ्रेंड हैं, पाँच मिनट का वीडियो एक मिनट देखा, डायरेक्ट व्हाट्सअप करते हैं। मैं व्हाट्सअप इसलिए देता हूँ कि आपको सुविधा के लिए, कि मैं सही हूँ या गलत। बहुत सारे मेरे फ्रेंड हैं फेक कुछ दे देते हैं, बस मतलब पूरा वीडियो देखते नहीं। सर मेरे पास ये क्वाइन है, तो प्लीज़ फ्रेंड अगर मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, मेरा कोई भी वीडियो मैं डालता हूँ तो मुझे पूरा वीडियो देखें, और चैनल अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि लोगों को सही जानकारी मिले। आपके फ्रेंड हो, रिलेटिव हो, या आपके डिस्ट्रिक्ट में कोई भी हो दोस्तों, तो आप जरूर बताएं। आप सर क्या नाम है, गुड नेम? ये आप कहाँ से आए सर? मैं बिहार मुंगेर से। अच्छा, ये बिहार मुंगेर से आए हैं, ये अपने एक कलेक्शन लेके आए जो मुझे दिखा रहे हैं ना सर। ये देखिए, ये सर जो भी है नोट तो बहुत पुराना है, यानी पहले का है, लेकिन इसका कंडीशन आप देख सकते हो फ्रेंड, बहुत ही पुअर हालात में है। यानी एक कहावत है कि ओल्ड इज़ गोल्ड, ओल्ड इज़ गोल्ड तो होना चाहिए, लेकिन उसके लिए उसका कंडीशन भी अच्छा होना चाहिए। बहुत सारे मेरे फ्रेंड पुराने का मतलब समझते हैं पुराना फटा हुआ, लेकिन सर मैं आपको ऑनलाइन ही ये बता दे रहा हूँ, अभी मैं लाइव में हूँ। ये आपका जो ये टोटल क्वाइन है, जैसे ये अच्छा होने से UNC कड़क होने से 400 रुपये का आता है। ये कंडीशन में इसका मैक्सिमम वैल्यू अगर कोई भी दे, क्योंकि मैं फटा हुआ नहीं करता हूँ, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू 100 से 150 के अंदर में है। या कोई 100 भी दे सकता है, कोई 150 भी दे सकता है, कोई 70 भी दे सकता है, क्योंकि ये कंडीशन नहीं है। एक मिनट ये रखिए, ये कंडीशन है UNC में, इसका कंडीशन होता है सर 70 रुपीज़, गड्डी होता है 9000 का, ये कंडीशन में इसका रेट 30 रुपीज़ का होता है। ये मैं ही बोल रहा हूँ कि आप मुझे दे दो, लेकिन आपको जानकारी दे रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं बी रामा राव का सेकेंड इशू नोट है, ये इसका मैक्सिमम वैल्यू 150 से 200 है, क्योंकि कंडीशन बहुत पुअर है। अगर ये UNC होता तो 500 रुपये का होता, UNC मतलब गड्डी का नोट। ये आप देख लो, आप ये भी वही रेट है, ये 150 से 200 तक का। ये एंगर का नोट है, 1957 का नोट था सर, ठीक है सर। ये भी आपको पुअर नोट है, ये 70 रुपीज़ से 100 रुपीज़ है, ये बहुत पुअर कंडीशन है, ये कॉमन है सर। आप दिखा, आप कहाँ से हैं सर? बेलिया से रोड से। कौन से स्टेट से हैं? बंगाल। अच्छा, ये बेलिया रोड से है, ये देखिए आप कलेक्शन दिखा सकते हैं। बहुत सारे मेरे फ्रेंड ऐसा नोट भेजते हैं दोस्तों, ये नोट का कोई वैल्यू नहीं होता है, ये कंडीशन में नहीं चलता है। आप मेरे हाथ में देख रहे हो, तो कम से कम पूरा वीडियो देखोगे तभी आपको सही जानकारी होगी। ये देखा, आप एक बार दिखा, ये देखिए, बहुत सारे मेरे फ्रेंड 786 का नोट भेजते, लेकिन किस कंडीशन में क्या वैल्यू है, एक मिनट मैं इसको, ये ऐसा नोट हो, ये 20 रुपीज़ का नोट है, ये करक है एकदम, ये कहीं से फूड़ा हुआ नहीं, ये मैं 30 रुपीज़ में ये बाइंग करूँगा, लेकिन आप दोगे पुराना मुड़ा हुआ नहीं, सिर्फ कंडीशन इसी में उसकी वैल्यू होती है सर। ये नए में उसकी उतनी वैल्यू नहीं होती है, 50 रुपया वेरी कॉमन होता है, ये 100 रुपये सारे कॉमन है, ये 200 में भी कॉमन है, ये 500 में भी कॉमन है, इसलिए कि 500 का नोट बहुत ज़्यादा प्रिंट हुआ है, इसके लिए इसकी वैल्यू कम है। इसका कंडीशन अच्छा नहीं है, इसके लिए दोस्तों इसकी वैल्यू नहीं है। इसका स्टार्टिंग है तो इसका 200 रुपया वैल्यू आएगा सर मैक्सिमम, मैं बता दिया हूँ, 500 की वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है सर। और किसी को, आप कहाँ से आए हो सर? कहाँ से सर? नॉर्थ 24 परगना, वेस्ट बंगाल से आए। तो ये अपना कलेक्शन दिखा रहे हैं, आप देख सकते हो फ्रेंड जो इनका कलेक्शन है। अब जैसे ये 2 रुपया है, एक नोट 4 से 5 रुपये का है, लेकिन कंडीशन, क्योंकि एक ही पीस है, बाकी ये सारे जो आप देख रहे हो ट्रैक्टर इशू, बहुत सारे वीडियो में देखते हो लाखों में है, 2 लाख का नहीं होता है दोस्तों। ये गांधी वाला जो ट्रैक्टर होता है मैक्सिमम UNC में 7 रुपये का होता है, गांधी जिसमें हो, एक ट्रैक्टर इशू होता है वो 10 रुपये का मैक्सिमम होता है, बाकी ये सब नोट सर कॉमन है, इसकी वैल्यू नहीं होती है सर। इसमें एक नोट है, ये गवर्नर का फ़र्क है, ठीक है, ये गवर्नर है। अब जैसे ये कॉमन है, लेकिन ये मैं आपसे ले लूँगा, मैं आपको ऑनलाइन बता रहा हूँ, ये नोट सिर्फ 100 रुपये में मैं लूँगा, लेकिन दूसरा नोट कोई भी 30 रुपये से ज़्यादा का नोट नहीं है, बाकी ये सब सारे कॉमन है सर, ठीक है सर, ये कॉमन है। इसका भी रेट ज़्यादा नहीं है, 100 रुपये का ही होता है, 50 रुपये का, ये सिर्फ मुझे चलेगा 100 रुपये में, अगर आप देना चाहें तो मेस्ट वेलकम सर। ये स्टार नोट है, लेकिन सर कॉमन है, क्योंकि इसमें रेयर भी आता है कॉमन भी आता है, ठीक है सर।
सर ये स्टार है लेकिन कॉमन है, इसमें रेयर भी होता है कॉमन भी होता है। सर आप थोड़ा दिखा दीजिए, और कुछ है तो दिखा दो। ये स्टैम्प है सर, स्टैम्प का मुझे आइडिया नहीं है सर, तो प्लीज बहुत सारे यहाँ पे डीलर बैठे हुए हैं उनको दिखा सकते हैं। मैं ज्यादा नोट कॉइन कर देखिए इनका। हाँ सर थोड़ा चारों तरफ व्यू आप देखो, ये फ्रेंड इनके पास सारे कलेक्शन है, ये सारे कॉमन है सर, ये कॉमन है। और किसी के पास है तो दिखा दीजिए दोस्तों। सर ये स्टार है लेकिन सारे कॉमन है, ठीक है सर, इसको खर्च कीजिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। जो भी फ्रेंड आए हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन दूंगा करेक्ट दूंगा और उस प्राइस में बिकेगा इस एग्जीबिशन में। ऐसा नहीं कि कुछ और सुने और कुछ और बताएं। आप कहाँ से आए सर? हम आए हैं नालंदा से। अच्छा ये नालंदा से आए जो बिहार में पड़ता है। बताइए सर, ये पूरा देख कर आए हैं लेकिन सर का ये सारे कॉमन कलेक्शन है। बहुत सारे मेरे फ्रेंड है जिसको बोलते हैं पुराने नोट, पुराने नोट का मतलब पुराना नहीं होता है, पहले के ज़माने का होना चाहिए। ओके सर, ये समझना चाहिए, जैसे इनके पास था लेकिन कंडीशन अच्छा नहीं था। आप दिखा दीजिए सर एक मिनट। आप मेरा चैनल, आप कहाँ से हैं सर? हम बाली से, हावड़ा। अच्छा ये हावड़ा बाली से है सर, ये सारे कॉमन नोट है, इसमें कुछ नहीं है फ्रेंड। ऐसा नोट किसी के पास हो तो देख लीजिएगा सर, इसमें ये तो मार्केट यूज़ है, आप दिखा दीजिए। हाँ सर 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 ठीक है, ये देख सकते हैं सर, ये सारे कॉमन नोट है, इसका कोई नहीं सर, ये सारे कॉमन नोट है, तो इसका कोई खास वैल्यू इंडिंग 786 है, यूएनसी होने से 20 रुपये का है, ऐसे ही 15 रुपये का, ठीक है सर। बाकी ये कंडीशन नहीं है तो इसलिए ज़्यादा वैल्यू नहीं है। ये सर कॉमन है, ये दोनों नोट सर मैं आपसे ले लूँगा, ये के आर पुरी सिग्नेचर है कॉमन, दोनों मैं 70 रुपये में ले लूँगा सर। हाँ कॉड करे, ये सर कॉमन है। एक मिनट, तो दोस्तों आपको मैं बाकी बाद में दूसरा वीडियो बनाऊंगा अंदर का।